दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के नहर पार ओजोन के कारण गरीब आदमी को अपना मकान बनवाने में प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई आदमी अपने बच्चों के बड़े होने पर एक मंजिल बनाना चाहता है तो आ जाते हैं तोड़फोड़ दस्ते, लेकिन उसी ओजोन के अंदर क्षेत्र में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की इजाजत है। गरीब आदमी एक लैंटर नहीं डाल सकता और कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बड़ी तादाद में बनाई जा रही हैं और तोड़फोड़ गैंग खामोश है, या हो सकता है कि तोड़फोड़ गैंग को आदेश देने वालों को मिला हो उनका हिस्सा। ऐसे ही हरिनगर के पाल फार्म की कहानी है। अखिल भारतीय जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष देश कुमार कौशिक के मुताबिक पाल फार्म में कई पेड़ पौधों को काटकर कई कॉलोनी बसा दी गई, वो भी ओजोन में। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा देश कुमार कौशिक ने। पहले तो मैं ओंकार 24 का मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आज आपने 4 महीने बाद दूसरी बार आज मुझे लेनी चाहिए पाल फार्म। इसको सोशल मीडिया भी उठा रहा है। 3-4 दिन पहले मैंने एक और बाइट दी थी दूसरे चैनल पर। पाल फार्म हाउस का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। गंभीर का विषय है कि मैं सितंबर के महीने से पाल फार्म हाउस एक ऐसी जगह थी जो जयपुर थाने के सामने हरिनगर पर थी। हरा बड़ा बहुत बड़ा बगीचा था, पार्क बगीचा, उसमें 400-500 पेड़ लगे हुए थे, पुराने दरखत पेड़ थे, जिसमें आम का पूरा बगीचा था, बाग था, बरगद का पेड़ था, आंवले के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे, जामुन के पेड़ थे, इसमें बहुत तरह के पेड़ थे जिससे पर्यावरण की भी रक्षा हुई। उस जमीन में कुछ सरकारी जमीन भी 1000 थी। उसने पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 2010 से ओजोन लगा हुआ है, निर्माण कार्य प्रतिबंधित हैं, काम नहीं चल रहा, आम गरीब आदमी अपनी रिपेयरिंग नहीं कर पाता, लेकिन उस कॉलोनी को पाल फार्म हाउस में 300-400 पेड़ों को काटने के पश्चात अवैध रूप से नई कॉलोनी का निर्माण किया जाता है, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं। हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, उनका ये क्षेत्र है। हमारे दिल्ली नगर निगम की मेयर साहिबा भी इसी क्षेत्र से रहती हैं। पूर्व में के शुक्ला जी थे, वो भी इसी क्षेत्र से थे। यहाँ सत्ता का सामंजस्य ऐसा बैठा हुआ है कि नगर निगम में पूर्ण रूप से भाजपा है, नेता प्रतिपक्ष के बहुत बड़े कद के नेता हमारे क्षेत्र से हैं। हमारे क्षेत्र से 2 बार के जीते हुए विधायक और सांसद महोदय रमेश भिखुड़ी जी हैं। आम गरीब आदमी का 20 गज का 30 गज का लेंटर 3 दिन पहले भी तोड़ा है एमसीडी ने। एमसीडी का कमिश्नर को, जेई को, ये सबको दिखाई देता है गरीब आदमी का, लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी सामने बस रही है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी शिकायत मैं सितंबर महीने से 2020 से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, जिसमें पब्लिक ग्रीवेंस में मैंने कंप्लेंट भेजी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी। इस पूरे प्रकरण में पाल फार्म में जैसे कि आप बता रहे हैं कि कॉलोनियाँ बस गई हैं, इसमें कोई आपको क्या शंका है, कोई अधिकारी सम्मिलित होकर इस काम को करवा रहे हैं? सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। और क्या पुलिस को मैंने लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से आके इस बारे में पता लगा, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जयपुर थाने को फॉरवर्ड होकर कंप्लेंट आई, SHO को मैंने मैसेज डाले, उनको सारी रिपोर्ट बताई, दिल्ली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने किया, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री को, दिल्ली CM को दिया, राज्यपाल के यहाँ कंप्लेंट दी। सर NGT ने दी, NGT का क्या? NGT का रोल कोई अभी नहीं हुआ, NGT ने दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की थी, और दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपना तुकलकाबाद दक्षिणी दिल्ली का है, अमित एक उनके हैं,
उन्होंने कहा जी जो तुमको करना कर लीजिए, और उन्होंने संख्या मुझे दी आरटीआई के माध्यम से 115 पेड़ उन्होंने वहाँ भी बड़े दरखत पेड़ बताए उसमें लगे हुए हैं। मैंने उनको कहा कि आप मुझे उनकी संख्या बता दीजिए, जाके गिनती करवा दीजिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, पूरी बाग कट गया, आवाज पेड़ कट गए। तो उन्होंने कहा जी आपको जो करना करिए, मेरे खिलाफ़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसके खिलाफ़ इन सबकी आरटीआई लगाई, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कंप्लेंट की थी, ईमेल के माध्यम से शिकायतें की, सीएम को कहीं, गोपाल राय जी देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उनको भेजी, उन्होंने सबने पब्लिक ग्रीवेंस में भेजी और उन्होंने मिला के यह है केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की तरफ से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोई ठोस नहीं, कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को, डीएम को, एसडीएम को, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट जो बच गया जिसको दिखाई नहीं दे रहा है। अवैध पहले तो कॉलोनी दिल्ली सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है नई कॉलोनी नहीं बसेगी, अब उस पर नई कॉलोनी बसने के बाद, पेड़ कटने के बाद सारा कुछ हो रहा है, अवैध निर्माण कार्य चल रहा है और पूर्ण रूप से बिदरपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसमें पहले सरकारी ज़मीनें कब्जाई गई, साईं नगर के पास में 3 एकड़ जमीन पहले कब्जा करी गई, उस पर हमारे विधायक महोदय ने कहा था कि मैं विधायक बनते ही बिल्कुल इसको तहस नहस करवा दूंगा, पार्क बनेगा, सुंदर पार्किंग बनेगी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। हरिनगर में जहाँ जमीन थी उसको सरकारी ज़मीन को कब्जा किया गया, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर के एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, ना एमसीडी करने को तैयार है, ना डीडीए करने को तैयार है। गरीब आदमी मकान बनाता है, पुलिस पहुंच जाती है, उनका तोड़फोड़ करती है, एमसीडी का दस्ता पहुंच जाता है, पैसे लेता है, चला आता है, पुलिस वाले जो भी लेते हैं उन्होंने अपना बांध रखा है, लैंटर डालते हैं, काम चल रहे हैं, लेकिन सब पैसे के बल पर चल रहा है। जो हमारे विधायक महोदय ने चुनाव से पहले कहा था कि जब मैं जीत जाऊँगा तो एक भी मकान बनाने वाले को गरीब आदमी बड़ी स्वतंत्रता से मकान बनाएगा, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, अब देखिए कि जनता त्राही त्राही कर रही है, क्या मकान आसानी से बन रहे हैं? जब मकान नहीं बन रहे तो इतनी बड़ी कॉलोनी, इतनी बड़ी मार्केट वहाँ कैसे बन रही है? तो इसमें सभी जो संबंधित अधिकारी हैं, बदरपुर थाना सामने बैठा हुआ है, थाने के 4 अधिकारियों के जो मेरे पास नंबर आए हैं, मैंने SHO साहब से भी बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे समय मांगा मुझे समय दे दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी कोई विकल्प वहाँ से समय नहीं दिया। फिर मैंने विजिलेंस को कहा, सेंट्रल विजिलेंस में डाली, उन्होंने दिल्ली से विजिलेंस को भेजा, दिल्ली विजिलेंस 2 दिन जयपुर थाने में बैठी रही, बातचीत की उन्होंने, उसके बाद उनकी रिपोर्ट मेरी। अब सभी को लेकर के मैं जो है केंद्रीय सूचना प्राधिकरण में मैंने सारी इनको डाल दी है, उसके बाद मैं हाईकोर्ट में जा रहा हूँ इस कंप्लेंट को लेकर के, क्योंकि मैं भी अपनी हट पे हूँ, मैं इन अधिकारियों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। क्या चाहते हैं, क्या प्लान है आगे का आने वाले समय में? मेरा ये है कि गरीब आदमी को भी अगर इतना बड़ा भू माफिया कॉलोनी काट सकते हैं तो गरीब आदमी भी अपना मकान बना सके। मेरी लड़ाई गरीबों के साथ है, गरीब व्यक्तियों के साथ में खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर। जब भू माफिया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेंगे, फ्लैट बन जाएंगे, फ्लैट 8-10 मंजिल जो 5-7 मंजिल फ्लैट बन रहे हैं, फ्लैट बनते बिक रहे हैं, तो गरीब आदमी अपना 20-30 गज का मकान बिना पैसे के क्यों नहीं बना सकता? सरकारी जमीनों पर कब्जे तो क्या सबको दिखाई नहीं दे रहा? मतलब इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण जो क्षेत्र के जो अधिकारी वर्ग है या डिपार्टमेंट हैं, कोई भी आदमी एक्शन नहीं ले रहा। इसीलिए अब मेरा एक ही रास्ता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे तरह से मैंने राज्यपाल से समय मांगा है, मैंने इनको जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको धरना प्रदर्शन करने के लिए समय मांग रहा हूँ, क्योंकि कोरोना लग गया इसलिए धरना प्रदर्शन के बाद अब एक रास्ता है हाईकोर्ट जाने का। हाईकोर्ट में जाकर के मैं सबको इनको सबके नाम डाल के कंप्लेंट बना के इनको सबको नोटिस कराऊँगा, जिसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट में कि जब कॉलोनी वहाँ बस नहीं सकती, सब छोटे 50 गज का मकान बन नहीं सकता, फिर इतनी बड़ी कॉलोनी 3 एकड़ में या 2 एकड़ में जो कॉलोनी कट रही है वो कैसे बस गई वहाँ? वहाँ अंदर बिजली डिपार्टमेंट से मिल करके बिजली की केबल, मोटी केबल अंदर दे दी गई, कनेक्शन जब कॉलोनी में 4 लोग नहीं है, वहाँ रहते नहीं है, फिर ये डेवलप कैसे हो रहा है? उसमें रोड बनने की तैयारी है क्या? बिना उसके सरकार के रोड बन जाएगा? बिना सरकार के वहाँ बिजली कनेक्शन पहुँच जाएगा? सब में
में भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक बिना सहयोग के नहीं हो रहा। मतलब दोनों तीनों पार्टियां, आप लगते हैं कि दोनों तीनों पार्टियां इसमें लिप्त हो सकती हैं? मैं किसकी कहूँ, विपक्ष है कहाँ पदरपुर में? आप मुझे विपक्ष को दिखाई देता मुद्दा नहीं बनाता। सभी चौधरी बने हुए हैं अपने अपनी पार्टी के, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत नहीं लूँगा, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है कि कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा? क्या कांग्रेस के जो नेता लड़े थे चुनाव उनको नहीं दिखाई दे रहा? पार्टी उनकी सत्ता में रहती है। मैं तो एक जनसंघ का व्यक्ति हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ गरीब आदमी। अब नगर निगम का चुनाव आ रहा है, ये फिर माला पहनने आएंगे, फिर वोट मांगने आएंगे, जनता को फिर भ्रमित करेंगे, धोखे वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे, तो क्या जनता इसी तरह छलती रहेगी? अब जनता के साथ यही होता रहेगा? जनता अपना निर्णय लेती है, समय समय पर बदलाव किया। रामवीर जी थे, उनको पार्टी ने बदल के जो जनता ने बदला। राम सिंह जी आए, राम सिंह जी को छोड़ा, फिर नारायण दत्त जी आए, नारायण दत्त जी आए, फिर मतलब जनता तो बार बार प्रयोग करती है, बदलती है, वो देखती है कि जनता अब सोती नहीं है जगाने का। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम पाल फार्म हाउस पर जो भी मेरे इन चैनल को देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस पर उचित कार्रवाई अधिकारी करें। सोए नहीं, जो अधिकारी सोए पड़े हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कागज चलता है, फाइल बढ़ती है, सत्ता आनी जानी है। आज कोई सत्ता में है, कल कोई आएगा, लेकिन कागज, फाइल, कोर्ट सब खुले हुए हैं और सबके लिए, गलत के लिए सही कानून बने हुए हैं, लागू पालन कराना आम नागरिक इतना संघर्ष नहीं करता, वो टूट जाता है, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूँ। मैं संघर्ष करूँगा, पूरी ताकत के साथ संघर्ष करूँगा इन माफियाओं से, जो अपने आप को एक दो फोन करते हैं, धमकी देने की कोशिश करते हैं, वो भी सुन लें कि ये केस अब ऊपर जा चुका है। मतलब आपको भी धमकी भी कल को, हाँ हाँ आ रहे हैं, कल को कोई धमकाने की कोशिश करता है, मैं राजनीति कर रहा हूँ तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कल को वही लोग सारे शामिल होंगे। अगर मेरे पर कुछ बात होती है तो मैं जिनके नाम कंप्लेंट कर रहा हूँ, जिनके नाम कोर्ट में केस जा रहा है, जिनके नाम थाने में पहले से कंप्लेंट है।